हेलो ऑडियंस, मैं हूं आपका अपना मिस्टर क्रिएटर और आज मैं आपको ले आया हूं आपके एडिटिंग जर्नी के सेकंड स्टेप में, जहां हम बात करते हैं बेसिक कैमरा एंगल्स और टेक्निक्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है किसी बिगिनर के लिए वीडियो शूट करते रहे। एक गलत एंगल से शूट की गई हुई वीडियो उतनी ही फीकी लग सकती है जितनी की बिना दर्द की चाय। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैं हूं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैमरे के ग्रिड्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे वीडियो में हमारे मेन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सीन को किस डायरेक्शन में रखना है शूट करते टाइम। ग्रिड्स के हेल्प से आप ये रूल्स भी परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको रूल ऑफ थर्ड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसको तो जरूर यूज करना है। तो इसके बाद बिना कोई फिल्टर लगाए निकल जाओ शूट करने। फिल्टर लगाओगे तो बेस्ट कलर ग्रेडिंग कैसे सीखोगे? मैं मोस्टली नेचर सिनेमेटोग्राफी लैंडस्केप, मतलब हॉरिजॉन्टल में शूट करता हूँ। वर्टिकल भी बेस्ट है, पर तब जब मैं शूट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। एंड एट लास्ट सबसे जरूरी चीज, फ्रेम रेट्स, जिसके बिना सिनेमैटिक फील तो आ ही नहीं सकता। मैं मोस्टली 24 से लेकर 30 FPS के बीच सिनेमैटिक शूट करता हूँ, जिससे एक नेचुरल मोशन ब्लर क्रिएट होता है। और अगर आपको स्लोमो क्रिएट करना है तो आप मैक्सिमम फ्रेम रेट पर भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेकंड स्टेप के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, वीडियो शेयर करके मेरी ऑडियंस बढ़ाइए और थोड़ा सा प्यार कमेंट्स में भी दिखाइए।